मैं विपुल पंड्या, जनरल सेक्रेटरी बांधकाम मजदूर संगठन गुजरात स्टेट इंडिया से हूँ। अंतर्राष्ट्रीय कामदार स्मृति दिन के अवसर पर मैं दुनिया के सभी हमारे ट्रेड यूनियन साथियों, मजदूर भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, काम के दौरान हजारों की संख्या में हर साल मजदूरों की मौत होती है। ये मौत होने का कारण, उसकी वजह यह है कि दुर्गम काम की स्थिति में मजदूरों को काम करना पड़ता है। मैं उस परिवार को सांत्वना देना चाहता हूँ और मृतक मजदूर भाइयों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, और मैं सब मजदूर भाइयों को संकल्प करने के लिए कहता हूँ कि हम ऐसा एक संकल्प करें कि जो जोखिमी काम की स्थिति है वो काम के लिए इनकार करे और अपना अधिकार मांगे। ये अंतर्राष्ट्रीय कामदार स्मृति दिन के अवसर पर हम लोगों ने इस साल अहमदाबाद में जो मृतक कामदार के परिवारजन है, जो डिसेबल वर्कर है, उसको एकत्रित करने का आयोजन किया है, और सबको एकत्रित करके हम समाज, सरकार और मालिकों को कहना चाहते हैं कि आप देखो कि एक बार अकस्मात होने के बाद जो परिवार निराधार होता है उनकी क्या हालत होती है। ये भी देखना चाहते हैं कि अकस्मात के बाद कामदार को मुआवजा मिला है कि नहीं, उनका जो केस कोर्ट में चल रहा है तो उनकी स्थिति क्या है। हम काफ़ी साल से BWI की सहभागिता में काफ़ी कार्यक्रम कर रहे हैं, और उस कार्यक्रम की वजह से हेल्थ और सेफ्टी के इश्यू पर हम लोगों ने काफ़ी प्रकाश डाला है, और उसका फायदा ये होता है कि इस अवसर पर इस इश्यू को महत्व मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय कामदार स्मृति दिन में जो BWI ने एक सूत्र दिया है, जो थीम दिया है, यूनियन मेक वर्क सेफर, सही कहा है, संगठन होगा कामदार सलामत होगा, इंकलाब जिंदाबाद, वर्कर सॉलिडारिटी जिंदाबाद।